अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज सुबह सुबह का व्यू कैसे दिखा दिया। सो इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सबसे पहले मैं जा रही हूँ अपने लिए 30 kg का बॉक्स लेने के लिए। चलिए आइए। और आज यूएई में वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और फ्लाइट है मेरी आज रात की, सो लेट्स गो। यहाँ पर हम आ गए हैं बॉक्स लेने, सो इनसाइड वीडियो बनाने नहीं देते हैं। और जी व्यूअर्स, हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट में। फातिमा, मैं जा रही हूँ एमिरेट्स एयरलाइंस से। ये है मेरा लगेज और ये है मेरा पासपोर्ट। ये देखिए जी, सब प्रोसेस डन हो गया है। सो बाय बाय दुबई, सी यू सून। जी यहाँ पर हम सब लोग ट्रेन के आने का वेट कर रहे थे और सब क्यू में खड़े हुए थे। और ये देखिए जी, ट्रेन आ गई है, चलिए चलते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर बैठने की जगह भी मिल गई थी, क्योंकि बाज़ औक़ात बैठने की जगह नहीं होती। देखिए जिस तरह ये सब खड़े हुए हैं। और यहाँ पर अभी हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई है, ये देखिए जी। खैर इतना डिस्टेंस तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी इंसान आराम से बैठ जाता है। और देखिए जी, ये हम लोग पहुँच आए हैं एमिरेट्स टर्मिनल 3 पर। और ये देखिए जी, साथ में मेरा लगेज, सो लेट्स गो। Finally, I find my destination. A15. So I don't know यहाँ हमें कितना वेट करना पड़ेगा, let's see. हम लोग एरोप्लेन में एंटर होने वाले हैं। सो जी, फाइनली मैं अपनी सीट पर बैठ गई हूँ। ये आप लोग आउटसाइड भी देख सकते हैं। देखिए जी, अभी पैसेंजर्स आ रहे हैं। और इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा फातिमा की याद आ रही थी, लेकिन इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। जी स्पेशली जब आपकी नाइट फ्लाइट हो और ऐसा व्यू देखने को मिले, अमेजिंग। और फिर मेरी सीट भी बिल्कुल विंडो के साथ ही थी, सो और भी मज़ा आ रहा था। सो फाइनली जी, हमारा टेक ऑफ हो गया है। बाय बाय दुबई। वैसे वाकई ही मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली जब आपकी मॉर्निंग भी एरोप्लेन में ही हो, और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और जी फिर कुछ ही टाइम बाद हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था, और मैं तो एंजॉय करने वाली हूँ अपने ब्रेकफास्ट को। ये देखिए जी, हमारे पास ब्रेकफास्ट में ये सब आइटम्स थे। और जी एरोप्लेन से सनराइज़ को देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जी यहाँ पर हो गई है हमारी लैंडिंग।
सो फाइनली मैं पेशावर पहुंच आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर भी काफ़ी वेदर अच्छा लग रहा था, बाहर का व्यू आप लोग देख सकते हैं। और बस अभी एरोप्लेन कुछ टाइम में स्टॉप होने वाला है, सो चलिए जी अभी हमारी उतरने की बारी आ जाएगी। और जी यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई थी, हमसे पहले एक और जहाज़ ने लैंडिंग की थी, सो हम लोगों को एक घंटा एरोप्लेन के अंदर ही वेट करना पड़ा। होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।